गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम चैप्टर आठवां है और यूनिट तीसरी है। ये इस किताब की लास्ट यूनिट है, ये गति विज्ञान की। फिर उसके बाद में दो यूनिट रह जाती हैं जो कि कंप्यूटर की हैं। चैप्टर आठ यूनिट थ्री, चैप्टर का नाम लिख देते हैं जड़त्वाघूर्ण एवं जड़त्व गुणन। जड़त्वाघूर्ण एवं क्या है? जड़त्व गुणन, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण जड़त्व गुणन है तो हम पहले बात करते हैं जड़त्वाघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण क्या चीज होगी? ये हमारा कोई पिंड है, कोई क्या है? पिंड है। इसमें कहीं कोई द्रव्यमान, छोटा सा द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम है। छोटा सा द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम। तो इस स्मॉल एम का, इसमें कोई रेखा है कहीं पर भी? इसमें कहीं कोई रेखा है। ये इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? पारित रेखा। कौन सी रेखा? पारित रेखा। इस रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान गुणा इस रेखा से दूरी का वर्ग। तो यहाँ से लंबवत दूरी होती है, ये दूरी कौन सी होती है? लंबवत दूरी, ठीक है। इस दूरी का नाम क्या है? आर। तो जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? किसी पिंड में किसी कण का जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण उस पिंड में किसी रेखा के सापेक्ष द्रव्यमान और कण की रेखा से दूरी का वर्ग का गुणनफल होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान और इस पारित रेखा से दूरी का वर्ग। तो जड़त्वाघूर्ण की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से हम परिभाषा भी बना सकते हैं। जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। यानी कि द्रव्यमान क्या m और दूरी क्या है r, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इस पिंड में ऐसे बहुत सारे हैं द्रव्यमान। ये हमारी कोई पारित रेखा है, बहुत सारे हैं द्रव्यमान। कोई मान लो m1 है, कोई मान लो क्या है m2 है, कोई मान लो m3 है द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान इस पिंड में क्या है m4 है। बहुत सारे द्रव्यमान है। मान लो यहाँ से दूरी इसकी r1 है, इससे दूरी मान लो r2 है, इससे दूरी मान लो r3 है। दूरी जो होगी वो लंबवत होगी, 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए दूरी ली जाएगी। और इससे मान लो दूरी क्या है? r4 है। तो इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा? जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर, m1 और इस r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यानी जितने भी कण हैं उनमें द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट अब बात करते हैं जड़त्व गुणन। अब क्या बात करते हैं हम? जड़त्व गुणन। वो तो जड़त्व आघूर्ण था। जड़त्व गुणन में क्या होगा? जैसे मान लो कोई पिंड है, इसमें कोई द्रव्यमान है क्या? m।
मान लो ये दूरी y अक्ष की दिशा में, x o y, ये दूरी y अक्ष की दिशा में, तो मान लो ये दूरी y है और ये दूरी x अक्ष की दिशा में है, तो ये दूरी क्या है x, यानी y अक्ष से इस कण की दूरी x है और x अक्ष से इस कण की दूरी क्या है y है, तो जड़त्व गुणन क्या होगा m x y, द्रव्यमान गुणा ये दूरी गुणा ये दूरी। इस एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा अक्षों से दूरियों का गुणनफल। एक्स वाई क्या चीज हो गई, अक्षों से, वाई अक्ष से और एक्स अक्ष से, अक्षों से दूरियों का गुणन। हमें याद रखना है कि जड़त्व गुणन का सूत्र क्या है, एम एक्स वाई, यानी कि द्रव्यमान गुणा अक्षों से दूरियों का गुणन। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये सूत्र। और द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या की। परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी, ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है और ये कोई द्रव्यमान है क्या, एम है, द्रव्यमान कितना है एम है, ये द्रव्यमान एम है। मान लो कि इसका कोई केंद्र, इसका केंद्र मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या है के, यानी कि ऐसी के ऐसी त्रिज्या होगी, ऐसी त्रिज्या होगी कि यदि इसको सुई की नोक पर हम टिका दें इस पिंड को, तो उस पर ये घूम सकता है। इस टाइप से क्या करें, हम ऐसे कोई पेन ले, इस पर पिंड रख दें, इस पर पिंड रख दें, तो इस टाइप से घुमा दे, चारों तरफ घूम जाए, तो वो हमारी क्या होगी, परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, और इसको हम कहेंगे परिभ्रमण केंद्र। तो परिभ्रमण त्रिज्या यदि किसी, अब मान लें कि इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी परिभ्रमण त्रिज्या के है, परिभ्रमण त्रिज्या क्या है, परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या हमारी केंद्र से पता चलती है, इसमें कोई केंद्र और बिंदु एम द्रव्यमान तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या। यहाँ भी हो सकती है ये, ठीक है, तो इस टाइप से ये के लगभग क्या होती है, ये सब दूरी लगभग बराबर होती है। तो के परिभ्रमण त्रिज्या यदि किसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या कैपिटल के है, तो जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को हम I से निरूपित करते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, m द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, m के स्क्वायर, परिभ्रमण त्रिज्या k है और द्रव्यमान m है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन को करते हैं। तो इसका हम डेरिवेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, सभी डेरिवेशन लगभग एक जैसे टाइप के हैं, तो डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा हम नोट करके लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट, लंबाई, लंबाई हमारी कैसी होगी, एक बिमीय, क्षेत्रफल कैसा होगा हमारा, क्षेत्रफल कितना होगा, द्वे बिमीय, और आयतन क्या होगा, आयतन होगा हमारा त्रि बिमीय, आयतन क्या होगा, त्रि बिमीय। ठीक है, तो ये है हमारा
उसका हम नाम डाल लेते हैं, लेक्चर कौन सा है, लेक्चर 36 है, और डेट क्या है आज, डेट है आज 4/12/2020। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसकी बाद में फोटो ग्रुप में भेज देते हैं, जिससे कि तुम्हें लिखने में आसानी रहे, नोट्स बनाने में आसानी रहे। नेक्स्ट अब डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन है इसका पहला, एक एक डेरिवेशन रोज़ाना करवाएंगे, तो करीब 9 डेरिवेशन है इसमें। डेरिवेशन 1, ठीक है, डेरिवेशन 1 क्या कह रहा है पढ़ लो उसको। 343 पेज पर है हमारी बुक में, ये चैप्टर 8 में जड़त्वागुण एवं गुणन करके चैप्टर का नाम है। इसमें ये डेरिवेशन 1 है, क्या कह रहा है, 2a लंबाई m सेंती की एक समान छड़ का उस सरल रेखा के परतः जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए जो मध्य बिंदु से पारित हो तथा उसके लंबत हो। किसके लंबत, छड़ के लंबत, छड़ के एक सिरे से पारित और छड़ के लंबत, एक सिरे पर हो और एक सिरे से पारित हो और छड़ के लंबत हो। फिर क्या है, छड़ के एक सिरे से पारित और छड़ के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण। तो ये हमारी जो दे रखा है वो पारित रेखा दे रखी है, पारित रेखा की पहचान दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा हम दिखा देंगे, मध्य बिंदु से पारित और उसके लंबत। तो इसी में 3 डेरिवेशन हो गए, डेरिवेशन नंबर 1 में कितने डेरिवेशन हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 डेरिवेशन हो गए। तीनों के लिए हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर, तीनों के लिए जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है छड़ की, 2a। द्रव्यमान कितना दे रखा है, m। फिलहाल ये याद रखो कि 2a लंबाई दे रखी है और द्रव्यमान क्या दे रखा है, m, ठीक है। तो ये मान लो हमारी कोई छड़ है, ये कोई छड़ है इस टाइप की, इसकी लंबाई कितनी है, 2a, इसकी लंबाई है 2a, ठीक है। तो फिर पहले में कह रहा है वो मध्य बिंदु से पारित तथा उसके लंबवत। पहले में क्या कह रहा है, मध्य बिंदु से पारित और उसके लंबवत। तो मध्य बिंदु ये हो गया और इसके लंबत, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, पारित रेखा। कौन सी रेखा हो गई, पारित रेखा पहचान पड़ गई, मध्य बिंदु पर है और इस छड़ के लंबवत है, ठीक है। छड़ से कितने कोण बना रही है, 90 डिग्री। तो ये हमारी 2a लंबाई की छड़ है, तो यहाँ पर आ गई, तो हम यहाँ मूल बिंदु O मान लेते हैं, ये x और ये x डैश, ठीक है। तो इधर को लंबाई a रह गई, 2a लंबाई है तो, और मूल बिंदु से इधर को भी लंबाई कितनी रह गई, a, ठीक है। तो ये ऋणात्मक दिशा में, तो इसे माइनस ए लिमिट में ले लेंगे, जब समाकलन की लिमिट आएंगी आगे डेरिवेशन में, तो ये माइनस ए से प्लस ए लिमिट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो छड़ है इसमें से एक छोटी काट ले ली, इसमें से क्या ले ली, एक छोटी काट, इस टाइप से हमने छोटा सा कट कर लिया, इसमें छोटी काट ले ली, और मान लो ये छोटी काट क्या है, पी क्यू, छोटी काट कितनी है, पी क्यू, ठीक है। छोटी काट पी क्यू है, एक्स अक्ष पर है, इसलिए छोटी काट की लंबाई बहुत कम है ये, तो इसकी लंबाई हमने क्या नाम दी, डेल्टा एक्स, ठीक है। और मान लो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है, ठीक है। एक्स दिख रहा है इसमें, एक्स दूरी पर है, कहाँ से, मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु ओ है, ये हमारी पारित रेखा है मध्य बिंदु पर और छड़ के लंबत, ठीक है। हमें इस रेखा के परिते जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तुम डायरेक्ट इस पूरी छड़ का नहीं निकालते, हम पहले छोटी काट का निकालते हैं फिर पूरी छड़ का निकालते हैं। तो पहले हम छोटी काट की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम किसकी बात करेंगे, छोटी काट की। तो दिया है, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है छड़ की लंबाई बराबर 2a तथा
द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या दे रखा है, कैपिटल एम। द्रव्यमान क्या दे रखा है, कैपिटल एम, और छड़ की लंबाई क्या दे रखी है, 2a। ठीक है, अब ध्यान लगाना, क्योंकि ये जो द्रव्यमान है एम, द्रव्यमान कितनी लंबाई का, ये 2a लंबाई का, भाई छड़ भाई 2a लंबाई की, तो 2a लंबाई का द्रव्यमान कितना हो गया, कैपिटल एम। समझ में आ रहा है, 2a लंबाई की छड़ है, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a, 2a लंबाई का द्रव्यमान बराबर कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, इसलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, इसलिए एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का निकालेंगे तो 2a का भाग लगा देंगे m में, यानी कि m बटे 2a, एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बटे 2a। ठीक है, अब हम छोटी काठ का निकालेंगे, भाई छोटी काठ का द्रव्यमान कितना है, इसलिए छोटी काठ की लंबाई, छोटी काठ की लंबाई कितनी है बताओ, ब्रैकेट में लिख लेते हैं डेल्टा एक्स, छोटी काठ की लंबाई डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का ये है डेल्टा एक्स, छोटी काठ का, तो डेल्टा एक्स का गुणा हो जाएगा इसमें, तो एम बटे 2a गुणा कितना, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम बटे 2a गुणा डेल्टा एक्स आ गया, छोटी काठ का द्रव्यमान आ गया, ये छोटी काठ का द्रव्यमान ही हमें चाहिए। अब हम छोटी काठ का जड़त्वागुण निकालते हैं। अब पारित रेखा से छोटी काठ का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्वागुण के लिए दो चीज चाहिए, एक तो द्रव्यमान और एक दूरी। तो द्रव्यमान तो हमें पता है, ये निकल गया छोटी काठ का, निकाल चुके एम डेल्टा एक्स बटे 2a, और दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स यानी छोटी काठ की इस पारित रेखा से दूरी कितनी है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमें एक्स पहचाननी पड़ेगी, भाई छोटी काठ की पारित रेखा से दूरी क्या है, एक्स, प्रत्येक डेरिवेशन में दूरी पहचाननी पड़ेगी, यही इंपॉर्टेंट है कि छोटी काठ की इस रेखा से दूरी क्या है, एक्स। अब पारित रेखा से छोटी काठ का जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग, द्रव्यमान निकाल चुके हैं एम बटे 2a गुणा डेल्टा एक्स, और दूरी क्या है, दूरी है एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूरी का वर्ग होता है तो एक्स का वर्ग हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा छोटी काठ का जड़त्वागुण। अब पूरी छड़ का निकालेंगे, ठीक है, तो इसका हम समाकलन करेंगे, पूरी छड़ का निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन योग। समाकलन का मतलब क्या होता है, योग, यानी ऐसे छोटे 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 टुकड़े इसमें पूरी में बना दें तो पूरी छड़ का आ जाएगा, तो समाकलन करते हैं उस योग का, समेशन कहते हैं, समाकलन को समेशन भी कहते हैं, समेशन का मतलब योग होता है, तो समाकलन करेंगे इसका, और डेल्टा एक्स आ रहा है इसमें, डेल्टा एक्स का मतलब dx हो गया, तो इसका समाकलन एक बार करेंगे, यदि इसमें कोई डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आता तो दो बार करते, यदि इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड आता तो कितनी बार करते, 3 बार, तो फिलहाल इसमें डेल्टा एक्स आ रहा है, तो इसका हम समाकलन करेंगे पूरी छड़ का निकालने के लिए, तो इसलिए पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण, पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, एम बटे 2a इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और इंटू डेल्टा एक्स को पीछे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसका समाकलन। ठीक है, पूरी छड़ का निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन डेल्टा एक्स। अब इस समाकलन की हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी, लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट होगी, डेल्टा एक्स का मतलब dx हो गया, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, dx, इसकी लिमिट लिखनी पड़ेगी एक्स की, एक्स की लिमिट क्या हो गई,
भाई इधर इस जगह पर एक्स माइनस ए है और इस जगह पर एक्स क्या है प्लस ए, ये दूरी ए है तो इधर यहाँ से यहाँ तक इसके निर्देशांक लिखे हैं तो ए जीरो होंगे और इसके निर्देशांक क्या होंगे माइनस ए जीरो, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए। इधर इधर ये कोना हमारा हो गया माइनस ए और ये कोना क्या हो गया प्लस ए, तो लिमिट क्या होगी इसकी माइनस ए से लेकर प्लस ए। चित्र से हमें लिमिट पता चलेंगी हमेशा, ये मूल बिंदु है इधर को ए है इधर को माइनस ए है तो माइनस ए से प्लस ए लिमिट हो गई एक्स की। ठीक है, अब इस समाकलन को करेंगे तो हमारा अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा, अभीष्ट जड़त्वागुण प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता है इसका समाकलन, तो ये बराबर आएगा एम बटे टू ए तो कॉन्स्टेंट है, अब रह गया समाकलन किसका माइनस ए से प्लस ए किसका एक्स स्क्वायर का, डेल्टा एक्स को क्या लिख लेंगे अब डी एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स भी रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये शो कर रहा है कि भाई एक्स के सापेक्ष समाकलन है, तो डी एक्स लिख लिया इसको, इसका एक्स क्यू बटे तीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें थोड़ा ये चेक करना पड़ेगा, एक गुण होता है समाकलन का, गुण होता है यहाँ लिख लेते हैं उसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है ये, बार बार काम आएगा समाकलन का गुण। समाकलन का गुण क्या है कि यदि लिमिट माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसका मान हो जाता दोगुना लिमिट जीरो से ए, और एफ एक्स डी एक्स पढ़ा होगा ऐसा ट्वेल्थ में, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है और दोगुना हो जाता है माइनस ए से प्लस ओ। कब होता है, जब एफ एक्स कैसा हो समफलन, ये तभी है जब एफ एक्स हमारा कैसा है समफलन। समफलन क्या होते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े एफ एक्स पर, तो फलन हमारा कैसा कहलाता है सम। अब इसी का मान एफ एक्स डी एक्स का मान जीरो हो जाता है, कब, जब एफ एक्स कैसा है विषम फलन, जब एफ एक्स विषम फलन है। ठीक है, तो इसका मान जीरो हो जाता है, और विषम फलन कैसा होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दे और फलन चेंज हो जाए, फलन क्या हो जाए चेंज हो जाए तो विषम फलन है। अब इसमें देखो हमारा फलन ये एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्क्वायर लगा हुआ है माइनस रख लो चाहे प्लस रख लो, स्क्वायर क्या कर देगा प्लस ही कर देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे एक तैसे रहेगा, तो ये हमारा सम फलन है। घात तीन होती तो विषम फलन हो जाता, घात चार होती तो सम फलन, घात पाँच होती तो विषम फलन। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा सम फलन है, इसलिए जो माइनस ए से प्लस ए लिमिट है वो हमारी जीरो से ए हो जाएगी और दोगुना हो जाएगा फलन जैसे के तैसे। तो क्या हो जाएगा ये, इस गुण का हम बार बार उपयोग करेंगे हर डेरिवेशन में, याद रखना इसको, नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में बढ़िया से। तो ये हो जाएगा दोगुना जीरो से ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, दोगुना हो गया, लिमिट जीरो से ए हो गई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो दो से दो कट गया एम बटे ए रह गया, इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे तीन, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे तीन और लिमिट जीरो से ए, जीरो से ए। ठीक है, अब इसमें हम एम बटे ए तो है ये, एक्स की जगह ए लिख देते हैं तो ए क्यूब बटे तीन, और जीरो रखने का कोई फायदा नहीं है, जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो तो रखो या मत रखो। ठीक है, अब इस ए से ये ए क्यूब कट जाएगा, गुणा में है ये दोनों गुणा में है, तो ए से ए क्यूब कट जाएगा, ए स्क्वायर रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम ए स्क्वायर बटे तीन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम ए स्क्वायर बटे तीन। तो ये हमारा क्या आ गया, अभीष्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें करना है, तो आज के लिए हम केवल इतना ही करवा रहे हैं डेरिवेशन, यही समझना यही दोहराना एक बार, क्योंकि सब डेरिवेशन लगभग एक जैसे हैं, तो थोड़ी थोड़ी कठिनाई समय बढ़ती चली जाती है आगे तक, तो पहले इसी डेरिवेशन को अच्छे से करना, कॉपी में फेयर में कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ी यूनिट तो है नहीं ये, पर इसमें डेरिवेशन लंबे लंबे हैं तो उन्हीं में टाइम लगेगा।